2020 अब तक का सबसे चुनौती भरा साल। ये साल जब आया तो अपने साथ में कई सारी चुनौतियों को साथ में लेकर आया। ये एक ऐसा साल है जिसको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद में कई सारे लोगों की जॉब चली गई, कई सारे लोग खुद चले गए, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस रुक गए, कई सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए, कई सारे लोगों की खुशियां कुछ इस कदर उनसे जुदा हुई कि फिर वापस ही नहीं आई। ऐसे में हर इंसान को इंतजार है इस मनुष्य साल के गुजरने का और नए साल के आने का, कि कब नया साल आए और कब हम कुछ नया शुरू करें, कब हम अपने अंदर के नए इंसान को पैदा करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस नए साल को नया बनाने में, वरना सिर्फ नंबर ही चेंज होते हैं, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस नए साल को वाकई में नया साल बनाइए, इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट सालों में से एक बनाइए, और 2021 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट राइट नाउ, प्लीज डोंट वेट। अब क्या बचा है जिसका आप वेट कर रहे हैं? हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। टाइम इतनी तेजी से जा रहा है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टाइम से भी तेज चलते हैं, दूसरे वो जो टाइम के साथ चलते हैं, और तीसरे लोग जो टाइम से भी धीरे चलते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि आधी से ज़्यादा दुनिया के लोग इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जो टाइम चल रहा है इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। किसी का भी वेट मत करो। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन आज ही का दिन है। कुछ भी मन कर रहा है अंदर से करने का तो उसको कर डालो। किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि इंतजार करने वालों की केवल उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। नंबर टू, स्पीक लेस डू मोर। बोलो कम और काम ज्यादा करो। वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, मैं हमेशा अपनी हर पोस्ट में और हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि साइलेंस ना इंटेलिजेंट की पहली निशानी है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से, बकबक करने से कोई भी इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता। आपके बोल, आपके वर्ड आपका रिजल्ट नहीं बनते, आपका काम आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप सिर्फ काम करने पर फोकस करो, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा रहे पूरी दुनिया के सामने। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है, और जो इंसान चुप रहता है वो बिना बोले ही अपनी इंटेलिजेंट का परिचय देता है। नंबर थ्री, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया तो क्या वो कंफर्ट जोन में खड़ा किया? आपको क्या लगता है कि दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन कंफर्ट जोन में रहकर चैंपियन बनते हैं? कंफर्ट जोन नाम का वर्ड उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है कंफर्ट जोन। लोग बाहर से सब बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, लेकिन अंदर से है कि कुछ करना नहीं है, क्योंकि जिसको करना है ना वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना है ना उसे बोलता ही रहेगा। प्लीज अगर 2021 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। नंबर फोर, इस नए साल में दो अच्छी आदतें बनाएं और अपनी दो सबसे बुरी आदतों को छोड़ें। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपका अपना फ्यूचर आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपका अपना फ्यूचर आपकी आदतों के हाथों में है, और आपकी आदतें आपके अपने हाथों में है। कई बार क्या होता है कि आपकी एक आदत आपका पूरा भविष्य बना सकती है, और आपकी एक आदत आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती है। कई बार सिर्फ एक नई आदत अपनाने से या फिर सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोगों की आदतें सफल होती हैं और असफल लोगों की आदतें असफल होती हैं। तो आप ये देखें कि सफल लोग क्या करते हैं, वही उनकी आदतें हैं, और आप ये देखें कि जो असफल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो हर सफल इंसान की आदतें कॉमन निकलेगी, और हर असफल इंसान की आदतें भी कॉमन ही निकलेंगी। जिंदगी में अगर नाकामयाब होना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि गंदी आदतें अपना लो, और अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो उसका भी सबसे आसान तरीका यही है कि अच्छी आदतें अपना लो। नंबर फाइव, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। वैसे तो ग्रेटिट्यूड के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी हर सुबह एक पॉजिटिविटी के साथ में होगी अगर आप ये करते हैं। हर सुबह उठकर कॉपी में पांच ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आभार व्यक्त कीजिए हर सुबह। कई सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं आभार व्यक्त करने के लिए। हम किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें, हम किस चीज़ के लिए थैंक यू कहें? और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ना, वो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा।
एक बार एक व्यक्ति जो जॉब करता था वो ऑफिस के वर्क को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में था, थोड़ी चिंता में था। वो ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक भिखारी है जो भीख मांग रहा था। और जैसे ही उसने भिखारी को देखा, उसने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, थोड़ी बहुत चिंताएँ हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस भिखारी से लाख गुना अच्छी है, थैंक यू सो मच भगवान। और फिर वो आदमी खुशी खुशी घर चला जाता है। अब वहाँ पर जो भिखारी था, उस भिखारी ने एक पागल को देखा। उस पागल का हाल बेहाल था, कपड़े पूरी तरीके से फटे हुए थे और वो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। और ये सब देखकर उस भिखारी ने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने पागल नहीं बनाया, आपने मुझे भिखारी तो बनाया लेकिन मेरी ज़िंदगी इस पागल से लाख गुना अच्छी है। अब ये पागल एक एम्बुलेंस को देखता है जिसमें एक मरीज होता है। जो बीमार होता है उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, तो ये उसे देखकर कहता है, भगवान थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पागल तो बनाया लेकिन आपने मुझे बीमार नहीं बनाया। और वो पागल अपनी मस्ती में मगन होकर खुश होकर आगे चल देता है। अब उसने जिस मरीज को देखा था, वो मरीज जैसे ही हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर वो एक डेड बॉडी को देखता है। और वो जैसे ही उस मरे हुए इंसान को देखता है तो भगवान से कहता है, थैंक यू सो मच भगवान कि मैं बीमार तो हूँ लेकिन जिंदा हूँ। और ये सोचकर वो एक बीमार इंसान भी खुश हो जाता है। अब ये जो मरा हुआ इंसान है ये थैंक यू नहीं कह सकता, तो सीख यही है कि हर इंसान थैंक यू कह सकता है सिवाय एक मरे हुए इंसान के। तो अपने आप से पूछिए कि आप मरे हुए इंसान हो या फिर एक जिंदा इंसान हो। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से खुश होते हैं, क्योंकि वो आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं डेली। उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास में है, और बाकी लोग सिर्फ शिकायत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। आज नीचे कमेंट बॉक्स में दो ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ भगवान को कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, और दूसरी चीज़ के मुझे यूट्यूब पर इतनी अच्छी ऑडियंस मिली जो मुझे और मेरे हर वीडियो को इतना सपोर्ट करती है। और मैं हर उस एक इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है। सो ग्रेटिट्यूड की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, हर दिन ग्रेटिट्यूड करो। ये आदत अगर आपने डाल ली ना, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, ऐसी गारंटी मैं लेता हूँ। नंबर 6, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसे फॉलो करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर किसे फॉलो करते हैं, आप किन दोस्तों के साथ में रहते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ में रहोगे तो 6ठे इंटेलिजेंट आप बन जाओगे, और वहीं दूसरी ओर अगर आप 5 मूर्खों के साथ में रहोगे तो 6ठे मूर्ख आप बन जाओगे। जिस भी तरह के लोगों के साथ में आप रहोगे, जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, उसी तरह का आपका माइंड सेट बनेगा, और आपका माइंड सेट ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। नंबर 7, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा दोस्त। लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो काम कैसे करोगे जो आप करना चाहते हो। पिछले ही पॉइंट में हमने बात की कि जैसी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, आपका माइंडसेट उसी तरीके का बन जाएगा। उसी तरह आप जो भी अपनी बॉडी में डालोगे, आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो अगर इस आने वाले साल में आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दो, जंक फूड को अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तब कहीं जाकर आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे आप जो करना चाहते हो उसके लिए। नंबर 8, जितना हो सके चुप रहे, लेकिन इन 2 वर्ड्स का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करें। वो 2 वर्ड्स है, प्लीज़ एंड थैंक यू। ये 2 वर्ड्स लोगों के सामने आपकी रेस्पेक्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। जब आप किसी से प्लीज़ कहकर हेल्प मांगते हो ना, तो सामने वाले के सामने आपकी ये इमेज बनती है कि ये जो बंदा है ना, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और अगर कोई आपका काम पूरा करता है, वो चाहे छोटा इंसान हो या फिर बड़ा इंसान हो, ये मैटर नहीं करता, आप उसे थैंक यू कहिए। क्योंकि जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी रेस्पेक्ट की जाए। आप ही सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग आपको बहुत ही पसंद होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान आपकी इज्जत करता है ना, आप भी उनकी इज्जत ज़रूर करते होंगे। तो अगर आपको किसी से रेस्पेक्ट चाहिए तो पहले सामने वाले की रेस्पेक्ट करना सीखो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके चुप रहें, और जितना ज़्यादा हो सके थैंक यू एंड प्लीज़ इन 2 वर्ड का यूज़ करें। अगर ये करना आपने आज से ही शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज से ही लोग आपको नोटिस करेंगे जब आप बात करेंगे। नंबर 9, सेट योर मोबाइल लिमिट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सब लोगों के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम मोबाइल से ही होता है, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता वो इस नए साल में मोबाइल की लिमिट को सेट करें।
क्योंकि ये एक चीज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर रही है। मोबाइल एडिशन को कैसे छोड़े उस पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 10 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड वन स्किल एंड सेक्रीफाइस योर सेल्फ इन इट। एक ऐसी स्किल ढूंढें, एक ऐसा काम ढूंढें जिसमें आप इस दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन सकते हो। एक ऐसी स्किल ढूंढो जिसमें आप अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को एक कर सको। वो काम करो जो आपको दिल से पसंद हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैशन और प्रोफेशन एक होता है ना, तब काम करने का जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग होती है। उस टाइम पर इंसान पूरी तरीके से डूब जाता है अपने काम में, जब इंसान वो चीज़ कर रहा होता है जो वाकई में वो अंदर से करना चाहता है, वो काम जो उसे पसंद होता है। लेकिन उससे पहले आपको वो स्किल ढूंढनी पड़ेगी कि वो क्या स्किल है, वो क्या काम है जिसमें मैं खुद को पूरी तरीके से खपा सकता हूँ, जिसमें मैं इस दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। नंबर 11, लर्न वन थिंग एवरी सिंगल डे। इस नए साल के हर एक दिन रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें कि आज वो कौन सी चीज़ है जो मैंने सीखी, और अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हो, और समझ लेना कि अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला तो आपने अपने साल का एक दिन बर्बाद कर दिया। मैं पिछले 2 महीनों से ये चीज़ कर रहा हूँ, और जब कभी कभी इसका आंसर ये मिलता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा, उस दिन पछतावा होता है खुद पर, और उसी कारण से अगले दिन फिर से जुट जाते हैं कुछ नया सीखने में, और ना सिर्फ सीखने में बल्कि ज़्यादा सीखने में, क्योंकि जिस दिन नहीं सीखा उस दिन का भी कोटा उसी दिन पूरा करना होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ का एक भी दिन वेस्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साल में कितने दिन चाहिए। अगर 365 दिन चाहिए तो 365 ही दिन आपको सीखना पड़ेगा। इस दुनिया के टॉप रईस इंसानों में से एक इंसान वॉरेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। नंबर 12, इस साल सेल्फ इंप्रूवमेंट्स पर कम से कम 10 बुक्स जरूर पढ़ें। अगर आप बुक परचेस नहीं कर सकते या फिर आपको पढ़ना पसंद ही नहीं है, तो आप YouTube पर भी बुक की समरी देख सकते हैं। मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करता हूँ, गीगल और एक सीकल। एवरेज 10 मिनट का इनका एक वीडियो होता है, और उन्हीं 10 मिनट में 250-300 पेज की एक इतनी बड़ी बुक का रिव्यू इतनी सिंपल वे में करते हैं जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये चैनल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे बुक्स परचेस करने के लिए, तब मैं इन्हीं चैनल्स का सहारा लेता था नॉलेज गेन करने के लिए। इनका जो विज़न है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। इनका विज़न है लोगों के अंदर बुक पढ़ने का शौक पैदा करना, और पिछले 4 सालों से इस मकसद को पूरा करने के लिए वो कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हैं। आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट लिविंग हैप्पी। अगर इस दुनिया में खुशियाँ बिकती ना, तो कई सारे लोग उसको करोड़ों में खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं। खुश होकर जो काम किया जा सकता है ना, वो काम कभी भी दुखी होकर नहीं किया जा सकता। एक रिसर्च ये शो करती है कि जो इंसान जितना ज़्यादा खुश होता है वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और वो इंसान उतना ही ज़्यादा पैसा भी कमाता है। चलिए अब सारे पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। स्टार्ट राइट नाउ, जो भी करना है अभी शुरू करो। डू मोर स्पीक लेस, बोलो कम और काम ज़्यादा करो। गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो। इस नए साल में कोई तो अच्छी आदतें अपनाएं और आपकी 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़ें। अगला है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ख्याल रखें, और इन 2 वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ करें, प्लीज़ एंड थैंक यू। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि जितना ज़्यादा हो सके चुप रहें। सेट योर मोबाइल लिमिट्स, फाइंड वन स्किल एंड सेक्रीफाइस योर सेल्फ इन इट। कोई भी एक स्किल ढूंढे या फिर कोई भी एक काम ढूंढे और खुद को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दें उस काम के लिए। नेक्स्ट है, कम से कम 10 बुक जरूर पढ़ें। मैंने कहा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी चाहें अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अपने अंदर बुक पढ़ने का शौक पैदा करना है, तो उन चैनल पर जरूर जाकर देखिए, गीगल पर और एक सीकल पर। बुक समरी सुनते सुनते आपके अंदर भी बुक पढ़ने के शौक पैदा हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट लिविंग हैप्पी। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था और आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करता हूँ कि ये साल आप सबकी ज़िंदगी बदलने वाला साल होगा।